नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नवोत्तर मनीष। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एम नरेगा के बारे में, जिसमें मजदूर का पैसा है वो कैसे चेक करते हैं कि आपके खाते में आया है नहीं है। मैं आज एकदम सिंपल जानकारी दूंगा एम नरेगा के बारे में, जो मतलब कि जो एक नॉर्मल स्टेप है वो आपको पूरी करनी है। तो देखिए, आपको लिखना है गूगल क्रोम में एम नरेगा। देखिए, मैंने एम नरेगा लिख दिया, और एम नरेगा लिखने के बाद में आपको एक छोटी सी स्टेप बताऊँगा। और सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आप डायरेक्ट जो स्टेट भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले अपना जो स्टेट है स्टेट चॉइस करता हूँ, क्योंकि स्टेट चॉइस करने के बाद में आपको जो स्टेप पूरी करनी है वो आपको पूरी कर लेनी है। तो देखिए, आपके सामने ये जो ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा, और वेब पेज ओपन होने के बाद में आपका जो जैसे कोई भी आपका स्टेट है वो स्टेट आपको पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना जो राज्य है राजस्थान लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना नरेगा का मजदूरी का जो पैसा चेक करना है। और मैं आपको एक छोटी सी स्टेप बताऊँगा नॉर्मल, जैसे आप कि कुछ भी आपको नहीं करना है, और उसके बाद में आप स्टेट चॉइस करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो जिला है इस जिले के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में मैं आपको जो बताऊं उस स्टेप को आपको पूरी कर लेनी है। आपको आपका जिला है वो आपको ले लेना है। तो देखिए, मैं अपना जिला है वो सीकर लूँगा, और सीकर लेने के बाद में जो आपको आपकी ब्लॉक है आपको ब्लॉक है वो आपको ले लेना है। तो देखिए, मैं ब्लॉक है ब्लॉक ले रहा हूँ। ब्लॉक लेने के बाद में एक छोटी सी स्टेप और पूरी करनी है, और ब्लॉक लेने के बाद में आपके सामने अब आपका जो गाँव है आपके गाँव को आपको लेना है कि आपका गाँव कौन सा है। तो देखिए, मैं अपना गाँव है वो लूँगा। गाँव लेने के बाद में आपको जो एक छोटी सी स्टेप बताऊंगा वो आपको पूरी कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैं हूं नवोत्तर मनीष, आपका स्वागत है टेक्निकल नवोत्तर मनीष यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए, अब आपके सामने ये जो स्टेप खुल चुकी है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो R1 का जो है, ये R1 है, इसके ऊपर आपको देखना है जो फर्स्ट का जो है राइट वन जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर आप जो 5 नंबर का जो ऑप्शन है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और डायरेक्ट आप एक है आपका कोई सा भी आप ले सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है नहीं। आप पूरा जॉब कार्ड संख्या आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो देखिए, मैं एक जॉब कार्ड संख्या है वो ले लेता हूँ, और मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक जॉब कार्ड ले लेता हूँ, और उसमें मैं चेक करता हूँ कि कौन सा पैसा आया है या नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो अपना जो जॉब कार्ड नंबर है वो जॉब कार्ड लेता हूँ। जॉब कार्ड में ये चेक करूँगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। आपको इसको नीचे स्कोर करना है, ऊपर ले जाना। आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल है वो इसमें देख सकते हैं पैसे। आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर जो 65 नंबर का देख सकता हूँ कि मेरी जो 11 जो प्रेजेंट हैं और 11 प्रेजेंट हैं, इनके जो 2112 रुपये हैं वो आए हैं या नहीं आए। तो देखिए, जो सबसे पहले जो मिस्टॉल संख्या आप देख सकते हैं कि ये 10664 है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और 10664 के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, 10664 आपको देखना है कि 10664 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 10664, देखिए ये आ रहा है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका पैसा आया है या नहीं आया। तो 10664 में मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने लोग हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का जो है इसमें जो बैलेंस देख सकते हैं कि इसमें अभी तक जो स्टेटस है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग है, इसका मतलब इसमें पैसा नहीं आया है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो जानकारी है वो पूरी इसमें है। एक बार मैं इसको बैक लूँगा, बैक लेने के बाद में एक बार मैं दूसरा जो मिस्टॉल है वो देखूँगा कि उसमें पैसे आए हैं या नहीं आए। देखिए, तो मैंने पहले जो 11 हाजिरी का बताया था ये नहीं आया। अब देखिए, मैं जैसे मान लो कि ये देखूँगा इसमें 6 हाजिरी का जो 84-33 जो मिस्टॉल संख्या है 1140 रुपये पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं है। तो 84 जो 33 है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखूँगा कि मेरे पैसे आए हैं नहीं या नहीं आए। तो 84-33 मैंने यहाँ पर जो 84-33 है आप देख सकते हैं जो मिस्टॉल संख्या 84-33 इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद में ये देखूँगा कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तो देख सकते हैं इसमें टोटल जो लेबर है पूरी डिटेल्स हैं, और मैंने यहाँ पर जो अपना जो जॉब कार्ड है आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरे पैसे हैं वो क्रेडिट हो चुके हैं, इसमें सभी लोगों के पैसे क्रेडिट हो चुके हैं। यदि क्रेडिट का मतलब है कि ये आपके पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, और ये पैसे 1/10/2020 को ये क्रेडिट हुए थे। इस हिसाब से आप देख सकते हो टोटल इसमें पैसे भी आ रखे हैं, ये इतने पैसे आपके क्रेडिट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एम नरेगा का मजदूरी जो पैसा है वो आया है या नहीं आया, डायरेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नवोत्तर मनीष, आपका स्वागत है टेक्निकल नवोत्तर मनीष यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।